यूं चुप रहता था। करता नहीं मैं ऐसी बातें, ये सब मामला सेटिंग का भाई। उन्हें तो राग विराग छोड़ देना, ऐसे घूमोगे जैसे कोई पर्द लेके खसेरे के भाग रहे। अब सुने, मैं तो यूं चुप रहता था, बस ख्वाबों में बहता था, दुनिया यूं दीवानी थी, अपनी यही कहानी थी। आज पहली बार दिल ने ये दिल से दिल की बात की है। बर्रैया ने एक दिन दगारा की होड़ करी, कहना नहीं चाहता था, पर तुमसे कह रहा हूं मैं इस बात को, क्योंकि तुम चाहते तो रोक लेते, गले में आवाज नहीं है तो मजीरा क्या करेंगे। ना मैं ना घूमते सा कछू, मैं तो इनते घूंगो, चूंकि मैं अगर माइक पर ठा रहा हूं तो काऊ की हिम्मत ना जो काऊ ते अपशब्द बोल जाए। सही बात है हाँ काका जी, अगर आप माइक पे हो तो क्या मेरी औकात है आपसे माइक छीन लूं? मैं रोक सकता हूँ, हाथ उठा के बताओ, रोक सकता हूँ? यहाँ चूंकि जिनको इशारों तू के मामला घर का है, कोई घर का नहीं है, पूरे लोग सम्मान दे रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा इस बात को, आप कहो। अच्छा, जितना हुआ उनसे ज्यादा मुझे सम्मान मिल रहा है। बहुत बढ़िया, और तुम कहते दोबारा ताली बजाऊं तुम्हें काज। अच्छा, बजा दे सा एक बार जिनके फितूले निकालो दिमाग से। मजीरा अब सुनो, बर्रैया ने एक दिन डगारा की होड़ करी, शहद को छत्ता अब के हम अंदर। अब थोड़ी सी बारिश आ गई है ना, अब पहली बारिश है तो टिर टिर तो करेंगे। चौमासे को जीवो पंख फड़ फड़ा के बोलो, हंसन की हो रहा अब के हम गलियारे के कुत्तन में मिलके कमेटी जोड़ी, और गंगा जी पे जाके अब के हम उतरेंगे, और गंगा जी पे जाके अब के हम उतरेंगे, गंगा जी पे जाके अब के हम उतरेंगे। ताली देखियो, चौमासे को मेड़ का तर रटर रख करके बोलो, प्रधानी को परचाव के और प्रधानी को परचाव के हम उभरेंगे, प्रधानी को परचाव के हम उभरेंगे। अब नियमत की है जो प्रधानी को परचाव तक जो मेड़ पहले का बात तो तुम्हारी है रही है, इनकी ना है रही, इनकी लाइन में तुम उतर रहे हो ना। चौमासे को मेड़ का टर टर रखर के बोलो, प्रधानी को परचाव के हम। अरे मेरे यार मुकेश भाई, आपका सम्मान करता हूँ, क्योंकि रसियाबाजी में मैं आपके सिवाय किसी को गाने वाला नहीं मानता हूँ। ये 50 रुपए का आशीर्वाद आया ठाकुर भूरी सिंह, और 50 रुपए का आशीर्वाद नैना प्रधान जी की तरफ से आया है, जोनों दोनों के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा मैं। सम्मान करता हूँ, कर रहा हूँ, और जीवन भर आपका सम्मान करूंगा। हाँ, हम तो सम्मान में ही जी रहे हैं। क्यों? क्या अगर मैं अपने गुरु के बाद में किसी को मानता हूँ गाने बजाने में, लिखने में,
लिखने में नहीं, गाने बजाने में तो पहला नंबर आता है मुकेश भाई आपका। मैं तुम्हारी तरह ना हूं, तू क्या जानता है? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, यहाँ पता चल रहा है कौन क्या जानता है। आप तो मेरे एक गिलास तहसील की ना को भाई, एक गिलास की नहीं बेटा, इस रसियाबाजी की ना कहिए, हकीकत बात है ये। दूसरा गायक कलाकार है अखिलेश भाई, मेरा छोटा भाई, और तीसरा कलाकार है तलवीर भाई, जो जिसने यूपी ही नहीं अब तो राजस्थान तक नाम किया, बहुत अच्छा गाने वाला है तलवीर भाई, तलवीर बरेवासी। और चौथा कलाकार आज अगर इस दुनिया में गाने वाला कोई हुआ है तो मेरा छोटा भाई विष्णु ब्रजवासी, मैं मानता हूं ये गाने वाले हैं। और आप भी हो। अब शंभू भैया तुम्हारी कौन गिनती है जी बताओ? ओ लिंगी पुजवाई भी, बेकार की बात मत करा करो, अपने हो अपनों की तरह रहा करो। अब सुने, अब कट पीस है मेरा, हर लिए प्राण पति के हरि ने, हर लिए प्राण पति के हरि ने, तू वीर योद्धा मुछंदर बनो है, जो तू जन्मो है मंदोदरी ने, तो तू कैसे बंदर बेटा। जीएस म्यूजिक सेंटर थोड़ो घुमा दे, हर लिए प्राण पति के हरि ने, तो वीर योद्धा मुछंदर बनो है, और जो 10 साल पुरानी है, जो तू जन्मो है मंदोदरी ने, तो तू कैसे फिर बंदर बनो है, नबारों को उकाता है जमाने में झुकाता है, नबारों को उकाता है जमाने में झुकाता है, नबारों को उकाता है जमाने में झुकाता है। काका जी यही प्रोग्राम जीएस म्यूजिक सेंटर के द्वारा आप सुनने के लिए मिलेगा हमेशा। बारों को जमाने में चुकाता है, नहीं बदला चुकाता है, नजर नीचे झुकाता है, नजर नीचे झुकाता है, नजर नीचे झुकाता है। और ये प्रेम 20 रुपए का प्यार आया है मेरे छोटे भाई प्रवीर भाई की तरफ से, नजरों नीचे झुकाता है, दुश्मन कुसलता है हो, दुश्मन कुसलता है बस आपका प्रमाण दो। अब तुम कहो तो कह दूं, नहीं तो बंद कर दूं। पीछे तक बता, हाथ उठा के बात थोड़ी बनती है। हाँ प्रधान जी कह दूं, ताऊ जी कह दूं, और दुश्मन कुसलता है बस आपका प्रमाण दो। इन सातन में बता दे तेरो बाप, बेटा एक बार और घुमा दे, एक बार जब तो मैंने बुलाई हो तुम और भाई को बुलाई हो। आज तक जितने भी चैनल वाले हुए मैं तो 1000 रुपया दे दूंगा यार, रविंद्र के जहां नंबर काट दिया नहीं तो मट्टी घुट जाएगी यार। यार रामवीर का जहां नंबर काटता जो धता कूटी का राम की, और राम इतने कह रहा भाई जहां नंबर काटता जाने मट्टी कूटी का 500 रुपया ले ले बेसक, और कहते तो एक लंबी सी ले ले। लेकिन ये चैनल बनाए नया, पूरे नंबर पड़ेंगे, रोक जाए तो रोक लियो। इसलिए बारों को पुकारता है जमाने में दुखाता है, और दुश्मन पश्चाता इन सातन में बता दे तू तेरो, सातन में बता दे तू तेरो बाप, इन सातन में बता दे में बता दे तेरा
से गीत होगा। अब सुने गीत किसे कहते हैं। बॉलीवुड की धुन पर इस गीत पर प्रवीण भाई ने 20 रुपए दिए हैं। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा उन लिखने वालों के लिए और उन गाने वालों के लिए और उनके लिए जिन्होंने इन बोलों को अपने स्वरों के माध्यम से सजाकर हम और आप तक भेजा। हाथ उड़ा के तालियां चाहूंगा। इतना करता ना दिल के आसमान पे आवाज है। अरे आज चल रही है, कल नहीं चलेगी। मैं कभी आवाज के बारे में नहीं किसी से कहता हूँ ना बेटा। मैं आओगे हाँ पतना सिविल का है क्या? कोई पता होगा पूरी सिविलिंग की किस्म में पहुंच जाएगा हैं? कितने चलेंगे कितने आए? लेकिन बड़े भाई मैंने प्रवीण भाई आज तक आवाज के बारे में किसी से नहीं कहा है। कितना भी ऊंचा गा लूं और कितना भी नीचा, क्योंकि आवाज है गला है, पूरी आवाज होने पर भी नहीं कहता हूं मैं कभी। और अब भी तुम्हें सुनाई दे रहा हूँ आवाज तो इतना है। खैर कोई बात नहीं, भी सुने। दिल के आसमान पे गम की घटा छाई आई 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 तेरी याद आई 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 तेरी याद आई 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 तेरी याद आई। बेटा बिल्कुल नया गीत है। कैसा कैसे होगा सब सोच करे दिन रात और अच्छे बुरे गुण देख लो सब संस्कार की बात ये। प्रवीण भाई बिल्कुल प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक ही अखाड़ा है फिर भी अंतर मिलेगा दोनों में। अरे बड़े भाई शंभू जी और मुझ में, मैंने आज तक अपने मुंह में सुपारी तक नहीं रखी। ओहो अब उन कोई काम छोड़े लोगों को करीब ना। बिल्कुल है ना, ये संस्कार की बात। अब जो संस्कार है तुम में ना पढ़ पाए मोम पड़ गए, और जो मोम पढ़ने चाहिए वो तुम में ना पढ़ पाए। अच्छा है ना, चला जिता है।
चुका एक ही रात में लल्ला है जाओ चाहे फिर पूछो चाहे मूछो। अब सुने किसी ने बुराई देखी ये किसी ने बुराई देखी किसी ने भलाई दोनों भाई भाई दोनों भाई भाई अपनों की याद क्यों अपनों की याद क्यों ना अपनों को आई दोनों भाई भाई 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 दोनों भाई भाई। पहले नंबर पर तुम पर कोई जवाब नहीं दिया गया है और अपने इस धुन पर प्रवीण भाई की तरफ से 20 रुपए का प्यारा है एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं। धुन पर पहले भी कोई जवाब सटीक नहीं आया और इस बार मैं जवाब की उम्मीद तो तुमसे छोड़ ही दी है छोड़ दी लेकिन बदतमीजी मत करियो अच्छे भी गीत गाइयो बढ़िया तरह से जो अगर तुम बड़े हो और मैं छोटा हूं तुम अगर चार कहोगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा लेकिन अगर मैंने एक कह दी ना कहा जाएगा सब लगी पूछ जाएगी। अब सुने क्या बात है सही बात पकड़ी चाय पकड़ी गई चाचरे का ताली बजाओ एक बार क्या बात है कलम की लड़ाई है। अब सुने व्यक्तिगत मेरी भी लड़ाई भी नहीं है और वैसे भी एक बात बताऊं कि यार रसिया आज भी जितने जवाबी और कंपटीशन और रसिया गा रहे ना मैं खुद कह रहा हूँ हकीकत में आज तक जवाबी कहूंगा तो या तो अपनी मर्जी से मुंह मिलते हैं डायरेक्ट प्रवीण भैया सीधे और या अब तक कौन वो जवाबी दे हुए तो केवल मुकेश भैया जवाबी देता हूँ रसिया भी देते हैं जवाबी भी अन्यथा मेरे खानदानी मोना देते क्योंकि मैं साफ कह रहा हूं इस बात को मुझे किसी ने आज तक नहीं दिया मैंने जरूर दिया होगा लेकिन एक मुकेश भाई ऐसे हुए इस रसियाबाजी में जो मुझे बुलाते हैं और तुमने YouTube पर भी देखा होगा अगर जवाबी सबसे ज्यादा हुए तो मुकेश भाई रविंद्र भाई के ही हुए और सम्मान और आदर्शों के साथ हुए। अब कहना क्या सदा पहली लाइन बाबूजी गोकर्ण सच्चे व्रत के गोकर्ण सच्चे व्रत के बने व्रत धारी महावीर चोर का भाई था धुंधकारी एक ने उजाड़ी दुनिया दुनिया अच्छा तुम जब गावत गाओ सुंदर गाते हो बहुत अच्छा गाते हो सुर भी अच्छा है लेकिन देखने में तो आप बिल्कुल चौसा आम लगते हो कह दूं कराए बताओ ऐसे ना हाथ उठा के बताओ मुकेश भाई देखने में तो तुम बिल्कुल चौसा आम लगते हो चूंकि बड़ी गुस्सा में गाते हो और अपनी बेगम के पिटे हुए गुलाम लगते हो और गाते हो तो मेरी जान ऐसे लगते हो कि बिल्कुल झंडू बाम लगते हो ये अब यूं मत कह दियो कि झंडू बाम है अम्मा की जांगने में लगी हो हां ये कह सकते हो ये कह सकते हैं कोई पतो रह लगी जो जाता हम पागल है रे ना अब सुने एक ने उजाड़ी दुनिया एक ने बसाई अपनों की याद क्यों ना अपनों को आई दोनों भाई भाई दोनों भाई भाई ओ भाई 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 भाई
अब सुने उधर पापी रावण जो, उधर पापी रावण जो राम से लड़ा है, इधर देव भीषण जिनके चरणों में पड़ा है। सही बात है काका जी, एक ही बाप की संतान थी लेकिन फिर भी इधर में भीषण उनके चरणों में पड़ा है, और किसी ने लगाई आग तो किसी ने बुझाई, दोनों भाई भाई वो दोनों भाई भाई। अंतिम मेरा तीसरा बंद है, अंतिम नहीं तीसरा बंद। एक पापी दुरी हो, एक पापी दुरी हो, धन ने किया खूब धोखा, भैया विकर्णन पे भैया विकर्णन पे हमेशा ही रोता हो, भैया विकर्णन पे हमेशा ही रोता, भैया विकर्णन पे हमेशा ही रोता। महाभारत में दुर्योधन का एक भाई भी हुआ था जिसने दुर्योधन के साथ युद्ध नहीं लड़ा, धर्म के विरुद्ध वो युद्ध को छोड़ करके चला गया। भैया विकर्ण ने तो हमेशा ही रोका। भाई साहब पहले दोष लगा चुके हो, तुम कहा कर पाए हम पे तो जिताली बजवाए धोखे थे, अब अगर ध्यान पे बजाइयो, हाँ अब अगर ध्यान रखियो पूरी बात को, चुके झूठ ज्यादा बोलते हैं क्या छे हत, अब अगर ध्यान रखना जब बजाइयो बजा भी दियो थोड़ी सी, अगर ताली न बजाओगे तो नंबर भी लगा पाएंगे पूरा, बजा भी दियो थोड़ी सी। और एक ने मिटाई रास्ता, एक ने मिटाई रास्ता, एक ने मिटाई रास्ता, एक ने सताई दोनों भाई भाई, दोनों भाई भाई। अब अंतिम लाइन मेरी तरफ से गीत की, दुश्मन से मिल करके देखो प्रत्यक्ष दिख रही है दुश्मन से मिल करके। आज हम और मुकेश भाई दोनों कलम की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए कौन हो गए दुश्मन और भाई किसका संग दे रहा अपना, पर ध्यान रखियो धर्म तुम्हारी तरफ ना धर्म हमारी तरफ, तो तुम समझ रहे होगे हम जीत दिलवा देंगे, सेला ले जाओगे बाल्टी ले जाओगे, क्योंकि धर्म मेरी तरफ है, शराब तुमने पी है मैंने नहीं पी है, गालियां तुमने बकी है मैंने नहीं बकी है, हैं पुजवा रहे हैं जी, धर्म किसकी तरफ है, एक दुश्मन तो जह गए और एक दुश्मन का नाम ले रहा हूं मैं खुले में, दुश्मन से मिल करके जिसने किया काम पाप का, शक्ति सी में ऐसा भाई महाराणा प्रताप का हो, क्या बात है मेरे पोनिया नाग, अभी तो रोक रखे हो जगह मैंने और छोड़ दो ना जरूरत ना मेरी, शक्ति सी में ऐसा भाई महाराणा प्रताप का, और रामवीर किसको देवे ये। अरे पुनः इस गीत पर प्रवीण भाई की तरफ से 20 मुद्राएं आई हैं, प्यार चाहूंगा, रामवीर किसको दोगे रिश्तों की दुहाई,
अपनों की याद क्यों ना अपनों को आई, दोनों भाई दोनों भाई।